हमने पढ़ना है एनेटमिक और नोमन ग्लेशियर को अनेटमिक और नोमन ग्लेशियर में हमने सबसे पहले पढ़ना है प्लेन ऑफ द बॉडी विच आर थ्री मिडियन पेन कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन सबसे पहले पता होना चाहिए मिडिल पेन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ये देखें मिडिल पेन हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देता है ठीक है और इसको हम मिड सर्जिटल प्लेन भी कहते हैं मीडियल प्लेन है देखें बॉडी बीच में से कट हो जाएगी राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएंगी तो ये मीडियल प्लेन है अब हम पढ़ेंगे कोरोनल प्लेन को कोरोनल प्लेन जो होता है राइट एंगल टू द मीडियल प्लेन होता है ठीक है देख सकते हैं आप ये हमारे पास मिसाल के तौर तो पर यह बॉडी है ठीक है

ट्रांसफर्स प्लेन ये होता है कि अगर हम बॉडी को अपर एंड लोअर सेक्शन में डिवाइड कर दें तो वो ट्रांसफर्स सेक्शन होता है ट्रांसफर्स प्लेन होता है मतलब ये बॉडीज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली अगर बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दें अपर एंड लोअर सेक्शन में तो हमें ट्रांसवर्स प्लेन मिलेगा इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं और कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं और मीडल प्लेन को मिड सर्जिटल प्लेन भी कहते हैं तो ये हमारे प्लेन ऑफ द बॉडी हो गया अब हम पढ़ेंगे साइड्स ऑफ द बॉडी

उसे हम कहते हैं जो हमारे पास पे ट्रंक होता है उसे हम क्या कहते हैं टूवर्ड्स द बैली होती है वो उससे हमें आपको बताइए हैंड होते हैं ये हमारे पास हैंडर्सलड की वेंट्रल साइड होती है जबकि हमारे, पास जब की हमारे पास जो फुट होता है उसमें जो फुट का जो हिस्सा हमारे पास हमारे ग्राउंड पर लगता है वो हमारे पास जो उसकी वेंट्रल है और जो फुट का हिस्सा ग्राउंड पर नहीं लगता वो हमारे पास जो होती है वो रॉर्सल फुट होती है तो ये फुट के लिए और हैंड के लिए थोड़ी डिफरेंट है और बॉडी के लिए जो ट्रंक होती है ना वो हमारे पास होती है वेंट्रल साइड और जो कि हमारी बैक होती है उसे हम कहते हैं रोसल साइड और क्रीनियल साइड तो आपको पता है हेड वाली साइड साइड को हम कहते हैं तो ये हमारे पास साइड्स ऑफ द बॉडी होगी हमने पढ़ने हैं टर्म्स ऑफ द मूवमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ लेग एंड हैंड फ्लेक्शन ऑफ लेग एंड हैंड में सिंपल सी आपने एक बात याद रखनी है कि एक बैंडिंग मूवमेंट है जिसमें हमारे पास एंगल टू बोन्स के दरमिया डिक्रीज होना है और एक्सटेंशन में एंगल जो टू बोन्स के दरमियान है वो इंक्रीज होना है ठीक है ये बात हो गई एक्सटेंशन की अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो ये है कि एक्सटेंशन हमारे पास मूवमेंट तो उस साइड बॉडी की साइड की तरफ है जो डोर्सल साइड होती है फ्लेक्शन बॉडी की वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी की तरफ मूवमेंट है यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फ्लेक्शन और एंड एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट शुरू की गई है ये अगर आपको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर्म की बताएं तो वो ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट है एंड दिस इज द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे पास लेग की फ्लैक्शन एक्सटेंशन शो की गई है ठीक है तो ये हमारे पास दोनों में आप देख सकते हैं फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज हो रहा है और एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज हो रहा है इसमें भी ऐसे ही एंगल डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की हमेशा डेफिनेशन ये नहीं होती मीज यानी मिसाल के तौर पर हैंड की साइड पर देखें मिसाल के तौर पर हैंड की फ्लैक्शन एक्सटेंशन देखें तो हैंड की जो हमारे पास मूवमेंट होगी डॉर्सल सर्फेस ऑफ द बॉडी की तरफ ना वो तो हमेशा हमारे पास क्या होगी एक्सटेंशन अब हैंड की ये डॉर्सल सर्फेस है अगर मैं ऊपर इसे डॉर्सल सर्फेस की तरफ लेके जा रही हूँ ये दिस द डॉर्सल अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ तो दिस

दिस इज अ फ्लेक्शन ऑफ दी हैंड आप देख सकते हैं जो बॉडी का आगे वाला हिस्सा होता है वेंट्रल साइड कहते हैं और हमारे पास ये क्या हो रही है फ्लेक्शन और ये फ्लेक्शन हमेशा आगे की तरफ हो रही है वेंट्रल साइड पर हो रही है दिस इज अ फ्लेक्शन जबकि एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं बॉडी की डोरसल सर्फेस बैक की तरफ जो हो रही है डॉसल सर्फेस हो रही है दिस इज द डॉसल सर्फेस ऑफ द बॉडी डॉर्सल सर्फिस तो इस तरफ हो रही है तो हम इसे क्या कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ दी हेड कहेंगे ठीक है अब ये होगी और हैंड की भी ये न्यूट्रल पोजीशन ऑफ दी हैंड है आप आगे देख सकते हैं कि ये वेंट्रल की तरफ हो रही है तो ये फ्लेक्शन हो रही है डॉर्सल की तरफ हो रही है तो ये एक्सटेंशन है जो मैंने अभी शो करके आपको बताई थी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ दी आर्म फ्लैक्शन एक्सटेंशन ऑफ दी लेग एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ हैंड भी पढ़ लिया और हमने हेड भी पढ़ लिया है फुट की दफाओं में ना हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का लव भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम दो लव मजीद इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्शन फ्लेक्शन एंड प्लांटर प्लाट फ्लेक्शन को हम एक्सटेंशन ऑफ द फुट कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन फ्लेक्शन को रियल ऑफ द फुट कहते हैं देखिए प्लांटर फ्लेक्शन वो होती है मिसाल के तौर पर कोई प्लांट है आप एज्यूम करेंगे मैं आपको ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ कि नीचे प्लांट है अगर उसने आपने उसको दबाना है तो आप प्ला को नीचे की तरफ करेंगे ना नीचे की तरफ प्रेस करेंगे पौधे को तो नीचे की तरफ प्रेस करने को प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं ऊपर की तरफ से फ्लेक्शन कहते हैं डॉर्सि फ्लेक्शन को एक्सटेंशन ऑफ द फूट कहते हैं और प्लांटर फ्लेक्शन को रियल फ्लेक्शन ऑफ द फुट कहते हैं तो ये हमारे पास फुट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये आप देखेंगे ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक है यानी आप देख सकते हैं आगे की तरफ झुक रहे हैं वेंट्रल साइड पर तो हम फ्लेक्शन कहेंगे और डॉर्सल साइड पर झुक रहे हैं तो हम इसे एक्सटेंशन कहेंगे तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ दी ट्रंक हो गई है और अगर आपको कोई केंगे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द अपर लिम एट द शोल्डर जॉइंट तो अपने हैंड्स को आगे की तरफ लेकर जाना है तो वो हमारे पास फ्लेक्शन होगी पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो एक्सटेंशन होगी देख सकते हैं यानी डॉर्सल साइड पर लेकर जा रहे हैं तो एक्सटेंशन है वेंट्रल सर्फिस ऑफ द बॉडी की तरफ हैंड को लेकर जा रहे हैं आगे की तरफ तो फ्लेक्शन है इसमें देख सकते हैं आप एंगल का कोई जिक्र नहीं है मोर प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि एक्सटेंशन टुवर्ड्स द डॉर्सल एंड फ्लेक्शन टुवर्ड्स द वेंट्रल अब हम पढ़ेंगे कि वट इज द एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन ये होती है कि अगर हम बॉडी की हैंड बॉडी के मीडियम प्लेन से दूर लेके जाएंगे तो एबडक्शन होगी और अगर हैंड को बॉडी के मीडियम प्लेन के करीब लाएंगे दिस इज द मीडियम प्लेन ऑफ द बॉडी हम हमजूम करते हैं तो बॉडी के करीब लेकर आएंगे तो वो एडक्शन होगी हमारे पास अपर लिम की भी होती है और लोअर लिम की भी इसी तरह हम ज्यूम कर लेते हैं कि अगर टांग को दूर लेके जाएंगे तो एबडक्शन करीब लेकर आएंगे तो एडक्शन कोई भी चीज मिसाल के तौर तो पर मैं थम्प है उसको मैं बॉडी के हमारे बॉडी इससे दूर लेके जा रही हूँ तो एबडक्शन उसके करीब लेकर आ रही हूँ तो एडक्शन है ठीक है अब थम के लिए मूवमेंट्स को मैं थोड़ा बताऊ तो दिस इज द एबडक्शन ऑफ द थम ठीक है दिस इज द एडक्शन ऑफ द थम तो ये थम के लिए होता है इसको भी हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करते हैं फिर सरकमडक्शन मूवमेंट है ये नहीं अगर हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट्स को मिला देंगे तो सरकमडक्शन बनेगी ठीक है और ये बताया हुआ देखें ये एबडक्शन एडक्शन ऑफ फिंगर्स भी बताया हुआ है कि अगर हम तमाम फिंगर्स को साथ मिला देंगे तो एडक्शन अगर अलग अलग कर देंगे तो एबडक्शन होती है यानी एबीडी एबडक्शन लेकिन फिर वो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ थम जो है वो फिंगर से डिफरेंट होती है ठीक है ना मूवमेंट ऑफ थम फिंगर से डिफरेंट किस तरह होती है कि मतलब जो अगर हम, मैंने अभी आपको बताया एबडक्शन ऑफ थम ये नहीं होती दिस इज नॉट एबडक्शन ऑफ थम ये तो हम फिंगर्स के एबडक्शन कर रहे हैं क्योंकि फिंगर्स के एबडक्शन में हम एक दूसरे दूर लेके जाते हैं और ये फिंगर्स के हम एडक्शन हैं जो थम्भ की अगर हम एडक्शन और एबडक्शन करने जाते हैं तो थम को हम पहले ऊपर लेके जाएंगे तो दिस इज द एबडक्शन यहां पर भी तो बॉडी के मिडिल प्लेन से दूर ही जा रहे हैं तो दिस इज द एडक्शन ऑफ द थम

अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन आ जाता है अगर हम हैंड को यूं रखते हैं तो दिस इज द सुपिनेशन अगर हैंड को यूं रखते हैं दिस इज द प्रोनेशन यानी अगर हम यूं कर रहे हैं हैंड को तो दिस इज सुपिनेशन मूवमेंट कर रहे हैं अगर हम हैंड को यूं करें तो दिस इज द प्रोनेशन पोजिशन और आपको ये निमोनिक है किंग्स प्रोनेट करते हैं बैगर सुपिनेट करते हैं हमें पता है बैगर जब भी मांगते यूं मांगते तो हम सुपिनेट यानी सुपिनेशन इज दिस ठीक है उसके बाद इनवर्जन एंड ई वर्जन ऑफ द फुट है कंसेप्ट ठीक है उसको भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ इनवर्जन बॉडी की मीडियम प्लेन की तरफ फुट की मूवमेंट को कहते हैं यानी जो फुट हैंदर की साइड पर खुलने मतलब अगर तो मैं एज्यूम कर लें हैंड वैसे फुट की एज्यूम कर लें अगर हम इस तरह से फुट को मोड़ देंगे यानी मीडियम प्लेन की तरफ तो इन्वर्जन है अगर इस तरह से कर देंगे तो ये इवर्जन होती है तो आप ध्यान देख सकते हैं इवर्जन है और ये इन्वर्जन होती है ठीक है उसके बाद एलिवेशन और उसका कंसेप्ट है डिप्रेशन का आप देख सकते हैं अगर माउथ क्लॉक हो हम ऊपर की तरफ करेंगे एलिवेशन नीचे की तरफ करेंगे डिप्रेशन प्रोटेक्शन रिट्रेक्शन होती है अगर हम जॉक को आगे की तरफ करेंगे प्रोटेक्शन पीछे की तरफ करेंगे रिट्रेक्शन है ऑपोजिशन का मतलब थम की ऑपोजिशन ये अगर हम थम को किसी भी फिंगर के साथ मिला देंगे दिस इज द ऑपोजिशन ऑफ द थम इसे हम ऑपोजिशन ऑफ द थम कहते हैं और ये जो ओपोजीशन रिपोजिशन की मूवमेंट्स होती है सिर्फ हैंड तक लिमिटेड होती है और ये हमारे पास कार्पो कार्पोमेटाप जॉइंट ऑफ द थम पर हो रही होती है मिसाल के तौर तो पर ये थम है ना इसको मैंने यहां पे मिला दी है ऑपोजिशन और ये कार्पो कार्पोमेटाकॉर्प जॉइंट पर हो रही होगी और ओपोजिशन में जो थम पैड है टच एंड टू ओ ओपोजा फिंगर पेंट इस तरह से हम करते हैं ओपोजिशन और बैक कर देंगे तो रिट्रेक्शन हो जाएगी ओपोजिशन एंड रिट्रेक्शन ठीक है अब हमारे पास टर्म्स ऑफ लेट्रलिटी है इसमें बायलेट्रल होती है यानी वो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी जो दोनों साइड ओपर बॉडी पर होते हैं जैसे आर्म्स हो गए लेग्स होगी दोनों साइड में ना राइट पे भी लेफ्ट पे भी दो बायोलेट्रल यूनिटल जो एक ही साइड पर होते हैं सिर्फ जैसे स्प्लीन है सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर हो गया तो राइट पे होगी लेफ्ट होगी ठीक है इस तरह से इपसी होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास सेम साइड पे यानी राइट हैंड राइट फुट राइट हैंड एंड राइट फुट एक ही राइट right साइड की स्ट्रक्चर्स हैं तो इपसी लेटरल लेटरल होते हैं मतलब राइट right फुट है और लेफ्ट फुट है यानी दो साइडों के स्ट्रक्चर हैं यानी एक राइट right साइड का फुट है और एक लेफ्ट साइड का तो सिम कॉन्ट्रालेटरल कहेंगे तो दी हमारे पास होगी